नंबर वन, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर वन, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली इंग्लिश में बोलेंगे सोलर सिस्टम। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस के द्वारा सौर प्रणाली की खोज की गई थी। कोपरनिकस पहले क्वेश्चन का सही जवाब है। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा। ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? आपको सभी को पता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जितने भी अपने नवग्रह वगैरह है, जितने भी खगोलीय पिंड है वो सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक के साथ में ग्रह। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह अपने आठ ग्रह है, आप देख सकते हो, सबसे नज़दीक का ग्रह बुध ग्रह है, सबसे दूर का ग्रह है नेपच्यून ग्रह कहलाता है। पृथ्वी के पास में एक शुक्र ग्रह है, एक मंगल ग्रह है। पृथ्वी से एक साइड में शुक्र ग्रह है, दूसरी साइड में मंगल ग्रह है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में उपग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था बताएगा? ग्रहों की गति का नियम है वह दिया गया था केपलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, केपलर। गाइज वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है बताइएगा? सौर मंडल के अंदर टोटल ग्रहों की संख्या है आठ है, इस चीज़ का ध्यान में रखना। वर्तमान में टोटल ग्रहों की संख्या आठ है। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हो आठ ग्रह कौन कौन से हैं। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र कहलाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं शुक्र को। और सबसे गर्म है, सबसे हॉट प्लेनेट कौन सा है? शुक्र है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम बताएगा? सूर्य के सबसे पहले पास में कौन सा आता है? बुध आ जाता है, फिर शुक्र आता है, फिर अपनी पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी के बाद में मंगल आ जाता है। तो मेरे इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, सूर्य के बिल्कुल पास में बुध है, उसके बाद में शुक्र ग्रह है, बाद में अपनी पृथ्वी आ जाती है, और पृथ्वी के बाद में मंगल ग्रह आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती हुई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है यहाँ पे पृथ्वी, पिछले वाले क्वेश्चन में था सूर्य, तो सूर्य के केस में आपका पीछे वाला आंसर होगा, और यहाँ पे पृथ्वी को रेफरेंस में लिया है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ओके, ये पीछे वाला क्वेश्चन था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह का कौन सा क्रम सही है? पृथ्वी के बाद में बताया था मंगल ग्रह आता है, राइट, और एक तरफ पीछे की तरफ शुक्र ग्रह, तो पृथ्वी के पास में कौन सा है? पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, तो यहाँ पे सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के पास में शुक्र ज़्यादा नज़दीक है, मंगल थोड़ा दूर है, तो पृथ्वी के बढ़ती हुई दूरी शुक्र मंगल और बुध और ज़्यादा दूर हो जाएगा, यानी आपका पृथ्वी के लेफ्ट साइड के भी पूछ लिए और राइट साइड के भी पूछ लिए, ये आपको ध्यान में रखना है, शुक्र मंगल बुध और बृहस्पति। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलो, आकार यानी साइज के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा? साइज के अनुसार सौर मंडल के ग्रह का अवरोही क्रम कौन सा है? इस क्वेश्चन में आपको घटता हुआ क्रम बताना है। अवरोही घटते हुए क्रम को कहते हैं, और जो बढ़ता हुआ क्रम होता है उसको कहते हैं आरोही। मेरे इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम पूछा गया है। तो सबसे बड़ा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जिसको जुपिटर बोलते हैं इंग्लिश में। बृहस्पति से छोटा शनि ग्रह है, शनि से छोटा अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो बुध है वो सबसे छोटा है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? सौर मंडल सोलर सिस्टम का भाग नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, निहारिका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रह का वेग किसके द्वारा दिया जाता है या क्या होता है? क्या उनका वेग फिक्स होता है या बढ़ता जाता है, घटता जाता है दूरी के साथ में, सूर्य के साथ में, क्या कोई बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। मेरे इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब वह सूर्य के पास में होता है।
यानी सूर्य के पास में होगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे सूर्य के साथ में उसकी दूरी बढ़ती जाती है उसकी वेग है कम होता जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? इस क्वेश्चन में आपसे तारामंडल पूछा जा रहा है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? सही जवाब बनेगा 88 तारामंडल, 88 सही जवाब। क्वेश्चन नेक्स्ट, निक्स ओलंपिया कोल्पस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? बताएगा एक पर्वत का नाम आपसे पूछा जा रहा है, यह पर्वत बताएगा कौन से ग्रह पे है। पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया कोल्पस, यह पर्वत है मंगल ग्रह के ऊपर स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह के ऊपर स्थित है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 ऑप्शन नंबर बी, 4 पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? देखिए ऑप्शन में से बताएगा पार्थिव ग्रह कौन सा नहीं है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका शनि पार्थिव ग्रह नहीं है, ऑप्शन नंबर डी शनि। अगला क्वेश्चन, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? बाह्य ग्रह की संख्या कितनी है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी 4, बाह्य ग्रह की संख्या 4 है। अच्छा, बाह्य ग्रह में कौन सम्मिलित नहीं है? आपको यहाँ पे बताना है बाह्य ग्रह में कौन सम्मिलित नहीं है जो सबसे बाहर के हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंगल। मंगल को पार्थिव ग्रह में शामिल किया गया जो अंदर के ग्रह है, जो बाहर के ग्रह है जैसे कि शनि हुआ, अरुण हुआ, वरुण हुआ, बृहस्पति हुआ, वो बाहर का ग्रह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? फादर ऑफ सोलर सिस्टम या सौर मंडल का जन्मदाता कहलाता है सूर्य को, ऑप्शन नंबर ए सूर्य को। सूर्य के चारों तरफ ही ये सब चक्कर लगाते रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सूर्य को। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा ऑप्शन नंबर डी अभिनव तारा कहलाता है। सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभिनव तारा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य, सूर्य ग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? बताएगा अच्छा क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सही जवाब बनेगा प्रकाश मंडल, सोलर किट, प्रकाश मंडल बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेली आप लोगों के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आता हूँ, कंप्लीट वीडियो देखा करो, डेली एक टॉपिक आपको कवर होता जाएगा, रिवीजन होता जाएगा बहुत ही कम समय में। सूर्य के ऊपर के भाग को कहा जाता है वर्णमंडल, ऑप्शन नंबर सी वर्णमंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्यों? पश्चिम में क्यों नहीं निकलता? उत्तर दक्षिण में क्यों नहीं निकलता? रीजन क्या है? सूर्य हमेशा पूर्व में ही क्यों निकलता है? क्यों? पृथ्वी की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में सूर्य का उदय होता है। पृथ्वी की डायरेक्शन है पश्चिम से पूर्व की ओर है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 23, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? बताएगा नॉर्वे में मिडनाइट, अर्धरात्रि को बोलेंगे मिडनाइट। तो मिडनाइट में जो सूर्य दिखाई देता है वह 21 जून को, 21 जून भारत के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और सबसे छोटी रात्रि और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। भारत के अंदर सबसे बड़ा दिन 21 जून और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21 जून। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, अधिकतम दूरी का भी पूछा जाता है और न्यूनतम दूरी का भी पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है अप्सौर, अधिकतम दूरी को अप्सौर कहा जाता है और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? देखिए क्या ये क्वेश्चन आ गया, न्यूनतम दूरी को मैंने आपको बताया उपसौर कहा जाता है। तो न्यूनतम दूरी को उपसौर से करेंगे और अधिकतम दूरी को अप्सौर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, निम्न में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय
एकक कहा जाता है। एकक का मतलब यहाँ पे खगोलीय इकाई से संबंधित है। खगोलीय एकक या खगोलीय इकाई का संबंध आंसू बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है इसको एक खगोलीय इकाई के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य रात्रि का सूर्य का मतलब क्या है? मध्य रात्रि सूर्य का मतलब है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का ध्रुवीय वर्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वर्त में देर तक चमकना। क्वेश्चन नेक्स्ट, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? बताइएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक क्षेत्र। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, सूर्य में काला धब्बा क्या है? ब्लैक स्पॉट। काला धब्बा को बोलूंगा ब्लैक स्पॉट। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। लास्ट में लिखा है असमर्थ, इनकेपेबल। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? देखिएगा, यहाँ पे सूर्य का पूछा गया है। कई बार ये क्वेश्चन वायुमंडल के संदर्भ में आता है और एग्जाम में आपका गलत हो जाता है। तो वायुमंडल में हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे पूछा गया सूर्य के रासायनिक मिश्रण में। तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंटेज है 71%। हाइड्रोजन मिलके हीलियम का निर्माण करता है और उसके बाद में सूर्य के अंदर एनर्जी बनती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, देखिए ऑप्शन में से कौन सा एक तारा है, तारे को बोलेंगे स्टार। ऑप्शन नंबर डी, सूर्य एक स्टार है, बाकी चंद्रमा शुक्र पृथ्वी ग्रह है। क्वेश्चन नेक्स्ट, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सूर्य की सतह के ऊपर जो टेम्परेचर होता है वह कहलाता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जो इकाई दी गई है वह सेंटीग्रेड में है, ध्यान में रखना इस चीज़ का भी। तापमान की इकाई केल्विन भी होती है, फारेनहाइट भी होती है, सेंटीग्रेड भी होता है। तो यहाँ पे सेंटीग्रेड सेल्सियस लिखा गया है, ध्यान रखना 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है? तो अपन ने देखा 71% हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के अलावा हीलियम भी पाया जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 2 होता है। सूर्य है प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वह धरती तक पहुंचेगा तो कितना समय लेगा? तो इसके अंदर लेगा 8.3 मिनट। समय का ध्यान रखिएगा 8.3 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेगा। सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? देखिएगा, सूर्य के पास में बुध ग्रह, बट सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह शुक्र कहलाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? जैसे कि पृथ्वी के ऊपर 365 दिन होता है, बुध नक्षत्र में होते हैं 88 डेज, यानी वह 88 डेज कंप्लीट होगा तो एक वर्ष होगा बुध ग्रह पे। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? चंद्रमा की तरह कलाएं बुध ग्रह में होती है, ऑप्शन बी। चंद्रमा एक उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, ध्यान में रखना उपग्रह। उपग्रह को बोलेंगे सैटेलाइट। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? सबसे कम समय में बुध लगाता है। अगला क्वेश्चन मेरा है, कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र। यानी बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, मंगल के भी 2 उपग्रह हैं जिनको अपन फोबोस और डिमोस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? पास में से ट्रेन गुजर रही है, काफ़ी अच्छी साउंड आ रही है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। इसी के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। पसंद आया लाइक ज़रूर कीजिएगा, ऑनलाइन क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के निशान को दबाइएगा ताकि डेली आपको इसी प्रकार के वीडियोज़ मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।